कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार का अगला फोकस वहां विकास को बढ़ावा देना है। विकास को लेकर एक और मोदी सरकार वहां निवेश पर जोर दे रही है। देश और दुनिया भर के निवेशकों से वहां निवेश को अपील कर रही है, तो युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने के रास्ते भी तैयार कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार वहां के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मिशन एप्पल की शुरुआत करने जा रही है। इस मिशन के तहत सरकार का प्लान है कि जम्मू कश्मीर के किसानों की जेब में अच्छी खासी रकम जाए और उनके नुकसान को कम किया जाए। इस प्लान के तहत मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के सेब किसानों से सीधे सेब खरीदेगी, किसानों से सेब खरीदने का काम नेफेड करेगा। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर तक किसानों से सेब खरीदारी का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें किसानों को पैसे सीधे उनके खातों में दिए जाएंगे। नेफेड द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, शोपिया, सोपोर की मंडियों से सेब खरीदे जाएंगे। इसके बाद क्वालिटी कमेटी सेबों की किस्मों की ग्रेडिंग तय करेगी। ये प्राइस कमेटी सभी कैटेगरी के सेब की कीमत तय करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव इस पूरी प्रक्रिया में कोऑर्डिनेट करेंगे और ये पूरा काम कृषि और गृह मंत्रालय की निगरानी में होगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 67% कश्मीरी यानी 7 लाख परिवार सेब व्यवसाय पर निर्भर है। पिछले साल कश्मीर में 20 लाख मैट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ है।